लास्ट थर्ड दिस इज द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश एज सिलेबस एंड द चैप्टर इज एजाज विश इट्स यूनिट नंबर एलेवन ऑन योर बुक एंड द पेज इज सेवेंटी आई विश आई है प्ले हाउस सेड एलिजा वन डे दैन आई कुड सेट एक दिन क्या हुआ कि एक ये बच्ची है एलिजा जो कि बैठी हुई आ, ये कह रही थी अपने खुद से ही बैठी सोच रही थी एंड शी वॉज सेंग आई विश आई हैड अ प्ले हाउस मतलब वो ये कहती काश मेरे पास भी एक प्ले हाउस होता एंड आई कुड सिट इनसाइड इट और वो ये सोची थी मैं उसके अंदर बैठती और प्रिटेंड करती प्रिटेंड मींस इमेजिन करना एक्ट uh, करना और ये कहते कहते वो चली गई डिड यू हेयर दैट विस्पर्ड हर डैड आई डिड रिप्लाइड एलिजाजम जस्ट एज़ क्वाइटली और वहीं पर ही उसके पेरेंट्स उसकी बातें सुन रहे थे जिस पर उसके फादर ने कहा हल्की सी आवाज में विस्पर्ड वेरी लो वॉइस बड़े हल्की सी आवाज़ में उसके फादर ने कहा कि क्या आपने सुना और उसकी मदर ने कहा हाँ जी मैंने भी ये सुना बट किस में रिस्पॉन्स उन्होंने आंसर कितनी आवाज में किया था बड़ी हल्की सी आवाज़ में किया था इफ़ अलीजा वॉन्ट्स प्ले हाउस आई शेड बिल्ड हर वन सेड हर डैड Quite determined means कि उसके फादर ने कंप्लीटली डिसाइड कर लिया था कि अगर एलिजा को प्ले हाउस चाहिए तो वो उसके लिए लाजमी एक प्ले हाउस ही वाले हैं ही इज गड टू बाई लॉट्स ऑफ वुड एंड टू सी इफ ही नीडेड एनी न्यू टूल्स और फिर वो जल्दी जल्दी निकले लकड़ी लेने के लिए और ये कि उस उनको अगर कोई न्यू टूल्स चाहिए कुछ औजार चाहिए तो वो भी वो फॉरन से लेने के लिए चल पड़े थे मदर ने उसके फादर जब जा रहे थे तो पीछे से आवाज दी बड़ी ऊंची आवाज दी कि क्या वाकई आर यू श्योर श्योरली यू नो दैटीजा को प्ले हाउस ही चाहिए बट उसके फादर जो थे वो ऑलरेडी निकल चुके थे टिम्बर यार्ड को टिम्बर यार्ड इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको वुडन बीम्स मिलती हैं वुड के बिग ब्लॉक्स मिलते हैं पीसेस मिलते हैं जो कि हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं और जितने भी टूल्स होते हैं वो भी हमें वहाँ से ही मिलते हैं इट टुक सिंपली एजेस टू बिल्ड द प्ले हाउस विद द डैड हैमरिंग एंड बैंगिंग इन नेल्स एवरी टाइम एलिजा लेफ्ट द और ये बनाने के लिए सिंपली एजेस लग गई एजेस मींस कि एक बहुत लंबा टाइम लग गया प्ले हाउस बनाने को क्योंकि डैड जो हैं एलिज़ा के होते हुए हैमरिंग एंड बैंगिंग ऑफ नेल्स नहीं कर सकते थे सो वेन एवर एलिज़ा लेफ्ट द हाउस वो कहीं गई होती थी तो तब उसके डैड जो हैं वो पीछे से अपना प्ले हाउस का काम करते रहते थे एट लॉन्ग लास्ट इट वॉज फिनिश्ड एंड मम एंड डैड कॉल्ड एलिजा इन टू द गार्डन टू टेक अ लुक और फाइनली एक लंबे टाइम के बाद एलिजा के फादर ने प्ले हाउस फिनिश कर लिया और फिर उन्होंने एलिजा को बुलाया कि आओ चल के देखो जी हमने गार्डन में आपके लिए क्या बनाया है एलिजा वॉज स्पीचलेस एंड हेल्ड हर ब्रीथ ब्रेथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विच मेड हमाम लुक वरिड एलिजा बिल्कुल खामोश उसने सांस भी नहीं ले रही थी खामोशी से चुपचाप खड़े होके देख रही थी और ये देखने के बाद उसकी मदर जो थी वो बड़ी वरिड हो गई बड़ी परेशान हो गई कि ऐसी क्या वजह है देट्स नॉट वॉट आई वॉन्टेड शीख रेकिंग हर हेड और उसने कहा सर हिलाते हुए ये मुझे नहीं चाहिए था सोशन इंडोर्स एंड केम बैक विद अ पिक्चर फॉर हर प्ले हाउस इन अ बुक और वो अंदर गई अपने रूम में एक बुक लेके आई और उसमें से उसने पिक्चर दिखाई कि मुझे तो ये वाला प्ले हाउस चाहिए इज दैट ऑल गेस्ट हर डैड और उसके फादर ने एक लंबा सांस ऐसे ऐसे सांस लेते हुए कहा कि ये आपको बस चाहिए था इट वॉज अ टाइम प्ले हाउस मम एंड डैड वो सरप्राइज और वो उसके पेरेंट्स जो थे वो कम्प्लीटली सरप्राइज थे कि उसको तो एक छोटा सा प्ले हाउस चाहिए था सम हाउ डैड बिल्ड अ न्यू टाइनी प्ले हाउस सून और फिर उसके फादर ने कोशिश करते करते एक छोटा सा प्ले हाउस उसके लिए बनाया इट वॉज़ परफेक्ट एज एलिजा वॉन्टेड और ये एलिज़ा के लिए बिल्कुल परफेक्ट था ऐसा प्ले हाउस जो है वो छोटा सा प्ले हाउस चाहती थी शी एंटर द प्ले हाउस विद हर डॉग और वो फिर अपने डॉग के साथ प्ले हाउस में गई शी वॉज वेरी हैप्पी आई वॉन्ट प्ले हाउस जस्ट लाइक दैट सेट द लिटल गर्ल और ये देख कर वो बड़ी खुश थी और उसने फाइनली अपने पेरेंट्स को कहा बड़ी खुशी से दैट आई वॉन्ट दिस वन हाउस दिस प्ले हाउस मुझे कोई बिग वाला प्ले हाउस नहीं चाहिए था